मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज मैं आपको कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 9 प्रकरण चिड़िया की बच्ची भाग 2 पढ़ाऊंगी। इससे पहले बच्चों भाग 1 में मैंने आपको इस कहानी का, इस लेख का सार बताया और अब मैं आपको बच्चों किस बताया आपको कि माधव दास किस तरह से चिड़िया को प्रलोभन देता है और चिड़िया उस प्रलोभन को स्वीकार नहीं करती और वो सोने का पिंजरे में रहना भी पसंद नहीं करती है, सोने की कटोरी में खाना भी पसंद नहीं करती है और केवल क्या चाहती है कि मैं आज़ाद रहूं और आज़ाद रहने के बाद वो क्या चाहती है, अपने घोंसले में रहूं, रूखा सूखा खाऊं और अपनी माँ के पास रहूं। तो बच्चों अब मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी, आप अपनी बुक खोल लीजिए और फिंगर लगाइए और मेरे साथ साथ। 9 चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उसको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यस्त छू नहीं गया है। माधव दास के बारे में बताया गया बच्चों कि संगमरमर की कोठी उन्होंने बनाई है, सफ़ेद संगमरमर की कोठी, और उसके सामने एक सुंदर बगीचा भी लगा रखा है और उन्हें कला से, उस बगीचे को देख के लगता है कि उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यस्त छू नहीं गया है, उनके पास कोई धन दौलत की कमी नहीं है और उनको व्यस्त भी उनके अंदर कुछ नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजियों में लगे फव्वारे, उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ फव्वारे लगे हुए हैं और फव्वारों से पानी निकल रहा है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है तो आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर मनसद के सारे व गलीजे पर बैठते हैं। और वो क्या करते हैं, जब वो शाम को सुहाना दृश्य हो जाता है तो मनसद क्या होती है बच्चों, तकिया के सहारे जो होते गलीचे में वहाँ पर अपने आंगन, वो उसमें बागीचे में बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। सुंदर जो प्रकृति की छटा है उसको देखते हैं। उनके इससे मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, तृप्ति में संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे फर्सी हुक्के की सटक को मुँह पे लिए ख्याल ही ख्याल में संध्या के स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। और बच्चों माधव दास जी क्या थे, अगर उनके मित्र मिल गए तो वो सब उनके संग गपशप मारते हैं और अगर मित्र नहीं हुए तो हुक्का पीते हुए और जो शाम का वक्त है उसको बड़े सुंदर से गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मनसद के सहारे बैठे हुए थे, मतलब तकिया के सहारे माधव दास ही बैठे हुए थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर कर कुछ खाली सा रहता है। लेकिन उनको सब चीज़ें मिली, सब सुख सुविधाएं उनको मिली, लेकिन क्या नहीं मिला, एक ज़िंदगी का एकाकीपन, खालीपन उनसे दूर नहीं था। उस दिन संध्या के समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। अचानक क्या होता है बच्चों, एक गुलाब की एक डाली पर एक चिड़िया बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारे पर जरा नीली पड़ गई थी। वो रंग बिरंगी टाइप की चिड़िया थी, पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, उसका नन्ना सा सिर बहुत प्यारा लगता था और सर पर विचित्र विचित्र चित्रकारी थी। बहुत सुंदर सी वह चिड़िया थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था, वह मानो तनिक देर तक आराम उसे नहीं चाहिए था। कभी वह हिलती थी, कभी फुदकती थी। वह खुश, बहुत खुश मालूम होती थी। अपनी नन्नी सी चोंच से वह प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। जो चिड़िया आई थी वो चिड़िया क्या थी, बहुत सुंदर चिड़िया थी और वह अपनी मीठी आवाज़ में क्या कर रही थी, इधर उधर गा रही थी और अपने सिर को हिला रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी लगी, स्वच्छंदता उसकी आज़ादी बहुत सुंदर लगी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को उस डाल पर थिरकना देखते रहे। कुछ समय बाद वह अपना सब कुछ भूल गए। उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ तुम बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से समझो कि बगीचा में मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। वह चिड़िया से कहने लगे कि प्यारी चिड़िया, मैं तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो, तुम यहाँ पे आओ और इस बगीचे में बिना रोक टोक के यहाँ पर रहो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर यह बात जानकर उससे की जा रही है वह एकाएक घबरा गई, फिर संकोच से जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। वह कहती है कि मुझे मालूम नहीं है कि यह बगीचा आपका है और मैं थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए यहाँ पर रुक गई थी, मैं चली जाऊँगी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। कहता है, तुम बैठो यहाँ पर रहो, मैं जो क्या है ये कोठी वगैरह सब
मेरी है। चिड़िया बहुत संकुचा गई, उसे बोध हुआ कि उसे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ कर दो। और उसे लगा कि यह माधवदास का बगीचा है और मैं यहाँ पर गलती से आ गई हूँ, इसलिए उसको पश्चाताप सा होने लगा। आगे है बच्चों, माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित माने खुश हो रहा है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कितनी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों नहीं रहो। चिड़िया को वहीं रहने का आग्रह करता है माधवदास। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है। सांझ भी सोता है बच्चों, शाम हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। वो कहती है कि आप बिल्कुल चिंता न करें कि मैं आपके बागीचे में बैठ गई हूँ, मैं जा रही हूँ। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बाहर है। देखो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वीरान माने अकेला है, सुनसान है, कहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत से सोने मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा, मोतियों की झालर भी उसमें लगा उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो उसने कहा चिड़िया को कि चिड़िया, माँ के पास, तुम्हारी माँ के पास तो सूखा दाना पानी होगा, और तुम क्या करो, यहाँ पर खुश रहो। और मैं तुम, मेरे पास तो धन वैभव संपत्ति सब कुछ है, तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा इत्यादि बनवा दूंगा और तुम यहाँ पर जो है खुश रहना। उसके बाद है बच्चों, चिड़िया उन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप रहती है, मुझे तो क्या करना है, दो दाने माँ ला देती है और अब मैं पर खोलने के लिए बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो उसने कहा कि मेरी माँ से मुझे बहुत प्रेम है, मेरी माँ मुझे दाना पानी ला जाती है और जब मैं जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी राह देखती है, मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उसके बाद है बच्चों, माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ और सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ। तुम घास पानी और फूलों को जानती, मैं घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। उसने कहा चिड़िया, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, मैं सेठ माधवदास हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। यह चिड़िया के बारे चिड़िया बताई गई है बच्चों यहाँ पे। और चिड़िया पर मेरी छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है तो मुझे जाने दीजिए, वह बार बार जाने का आग्रह करती है। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तुम मेरी राह देखती होती, मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। वो कहती कि नहीं, मुझे मालामाल नहीं होना है, मुझे धन वैभव कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, तेरा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, आखिर तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा, मैं तेरे पीने की कटोरी भी सोने की होगी। वो कहता है कि चिड़िया, तुम जो है मेरे पास रहो, तुमको सोने की चिड़िया, सोने के पिंजरे में रखूँगा, सोने की कटोरी में पानी पिलाऊँगा और तुम बहुत खुश रहना, पर मेरे पास रहो। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है, चिड़िया सोना धन वैभव सबसे अनजान है बच्चों। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया है ना, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास उससे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। वो कहता है कि मैं तू सोने के बारे में नहीं जानती है, लेकिन जब मेरे पास रहेगी तो धन वैभव संपन्न देखेगी तो तू सोने के बारे में भी जानती है, जिसको कि सारे संसार को जिसकी तृष्णा रहती है, जिसकी इच्छा रहती है, वही सोना मेरे पास है, कहीं बाग हैं, बगीचे हैं, कोठियां हैं।
आगे देखिए बच्चों, दास दासियों की संख्या नहीं है पर तुझे तुझसे मेरा चित प्रसन्न हुआ है। मैं ऐसा वरदान कम किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती है। फिर बार बार यही आग्रह करती है कि मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ। सेठ ठहर ठहर, अपने इस अपने पास के फूले फूल को तो तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल है। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं, भांति भांति के रंग के, तरह तरह की उनमें खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित प्रसन्न किया है, वैसा फूल तेरे लिए हैं, खिला करेंगे। वह घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बाहर के सामने? तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी नहीं है, तू अपने को नहीं देखती। कितनी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन तेरी देह है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मरकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मैंने तेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा। वो कहता है कि चिड़िया, तुम्हारी माँ के पास क्या है? तुम्हारी माँ के पास तो कुछ भी नहीं है, और तुम देखो कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर तुम्हारी काया है, शरीर है, और तुमने मुझे प्रसन्न किया है। चिड़िया, प्यारी चिड़िया, तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ, उसको प्रलोभन देता है। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ सेठ ने एक बटन दबा दिया। उस बटन के दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक झटपट एक नौकर दौड़ के बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते हैं, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते सेठ नौकर को इशारा करता है, दास को इशारा करता है, वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। अब क्या करता है बच्चों, सेठ के कहते हैं, सच तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन? अब सेठ क्या करता है बच्चों, उसको बहलाता है और नौकर को घंटी बजाकर इशारा कर देता है कि तुम चिड़िया को पकड़ो, और उसको बहलाता है कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, क्या हैं, और इस तरह से वो उसको बहला फुसला कर अपने पास उसको पकड़ाना चाहता है। किसको? चिड़िया को, नौकर के द्वारा पकड़ाना चाहता है, क्योंकि वो मान नहीं रही थी। चिड़िया, दो बहन हैं, एक भाई है, मुझे देर हो रही है। वो कहती, मेरे दो भाई, मैं दो मेरी बहनें, एक मेरा भाई है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है, दो बहन एक भाई है, अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, वह चौकन्नी सी चारों तरफ देखती रही। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर पर इतने तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। और वो उनको चिड़िया को बहला फुसा रहा था कि तुम कहीं मत जाओ, तुम जाओ, लेकिन क्या करो, तो अभी थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि वो उसको नौकर को क्या करना चाहता था, नौकर से उसको पकड़वाना चाहता था। डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। उसने कहा, मैं रास्ता भूल जाऊंगी, मुझे जाना है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी, नौकर को फैले हुए पंजे में आकर भी नहीं आ सकी। तब तक वह उड़ती हुई एक सांस से माँ के पास चली गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ, ओ माँ, माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर से उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच कर उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अपलक न खोलेगी। तो बच्चों, चिड़िया को कई प्रलोभन जो है माधवदास ने दिए, लेकिन चिड़िया उनके झांसे में बिल्कुल नहीं आई, और उसने अपनी, जैसे ही नौकर ने कठोर स्पर्श उसको पकड़ा, तो वैसे ही वो उड़ करके भाग गई। और उड़ करके भागने के बाद जो है चिड़िया जो है फुर से उड़ती हुई अपनी माँ की छाती से चिपट कर सो गई, और वो इस तरह से उड़ी कि एक ही सांस में उड़ती हुई चली गई, और उसने अपनी माँ की छाती से इस तरह से भींच कर सोई कि जैसे कि वह पलक नहीं खोलेगी, क्योंकि वह बहुत डर गई थी। और बच्चों, इसके बाद मैं आप लोगों को इसका PDF भेजूंगी, तो आप ध्यान से रीडिंग भी कीजिएगा और PDF के क्वेश्चन आंसर भी कीजिएगा। थैंक यू।